बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबीयिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन व सामईन किराम, मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया के ज़ेरे एहतमाम 10 रोज़ा ऑनलाइन दरस हदीस शरीफ का आगाज़ किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिन इसके गुजर चुके हैं, आज हम 10वें और आखिरी दिन में हाज़िर हैं। ये हमारी आखिरी मजलिस है जिस किताब का हम दौरा कर रहे हैं और जिस किताब से हम दर्स दे रहे हैं, उसका नाम है तुहफतुन नुबला फ़ी फ़ज़्ल रसूल वल अंबिया। ये हज़रत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादिरी साहब क़िबला का जमा करदा एक अरबईन है जो अंबिया व रसूल अलैहिस्सलाम की फ़ज़ीलत पर मुश्तमिल है। इसमें 18 आयतें और 41 अहादीस मुबारका हैं, जिनमें से हमने 9 मजालिस में 18 आयात का और 36 अहादीस का दर्स लिया है। 5 अहादीस मज़ीद बाकी हैं, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में इन 5 अहादीस मुबारका का दर्स होगा। इसी के साथ साथ हमारी इस अरबईन का दौरा मुकम्मल हो जाएगा। हदीस नंबर 37 जो शेखुल इस्लाम यहाँ पर लाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्नी लअर्जू इन तालबी उम्रुन अन अल्का ईसा बिन मरियम अलैहिमस्सलाम फ़इन अजलबी मौतुन फ़मन लकियहु मिनकुम फ़लयुक़रिहु मिन्नी सलाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और उसके इमाम अहमद बिन हम्बल ने मरफूअन रिवायत किया, मौकूफ़न भी रिवायत किया, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल की सनदों में एक सनद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है, एक सनद सहाबी तक मौकूफ़ हो जाती है। फिर हैसमी ने कहा, व रिजालुहुमा रिजालु सही, और ये दोनों सनदें इमाम अहमद बिन हम्बल की दोनों सनदें, एक मरफू एक मौकूफ़, यानी एक सनद हुज़ूर तक पहुँच रही है, एक सनद सहाबी तक रुक रही है, दोनों सनदें इन दोनों की जो रिजाल है, ये जो रावी हैं वो सही हैं, हदीस सही है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मुझे उम्मीद है कि अगर मेरे उम्र में दराजी हो जाए तो मैं ईसा इब्न मरियम से मुलाकात करूँगा। यानी आखिरी ज़माने में जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, अगर अल्लाह मेरी उम्र में इजाफ़ा करे तो मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे मुलाकात करूँगा, और अगर मैं उससे पहले विशाल हो जाए और मैं दुनिया से पर्दा कर लूँ, जो कोई भी तुम में से ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेगा उनको मेरी तरफ़ से सलाम पहुँचा देना। तो हुज़ूर ने ईसा अलैहिस्सलाम को सलाम भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को क़ियामत के करीब नाजिल करेगा। उम्मत मुहम्मदिया में से जो भी उस वक्त ज़िंदा रहेंगे वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर का सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को पहुँचाएँगे। एक और रिवायत में है, वफ़ी रिवायत अन अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाला युदफ़नु ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व साहिबैही रज़ी अल्लाह अन्हुमा फ़यकूनु क़ब्रुहु राबिअन। फरमाया जाता है, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दो सहाबा के साथ रहेगा। यानी गुंबद खज़रा के नीचे 3 मज़ारात मुबारका है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस है, साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा है, फिर साथ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आराम फरमा है, एक कब्र की वहाँ पर जगह खाली है। तो ये चौथी मज़ार वहाँ पर बनेगी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की, जब वो ज़मीन पर उतरेंगे अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे आपका विशाल होगा, तो गुंबद खज़रा में इन हज़रात क़ुदसिया के साथ आपका मज़ार मुबारक रहेगा। इसको इमाम तबरानी ने रिवायत किया है, और हैसमी ने और इब्ने अब्दुल बर ने भी इसको कहा है कि इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया। हदीस नंबर 38 हज़रत अबू सईद खुदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुखय्यिरू बैनल अंबिया। फरमाते हैं हुज़ूर के, एक नबी को दूसरे नबी पर फजीलत मत दो, एक नबी को दूसरे नबी पर फजीलत मत दो। इसका माना यह है कि नाम लेकर एक नबी को दूसरे नबी पर फजीलत मत दो, नाम लेकर के फ़लाँ नबी से अफजल थे, फ़लाँ नबी से अफजल थे, इस तरह नाम लेकर किसी को फजीलत मत दो। हाँ, मुतलकन ये कहा जा सकता है कि सारे अंबिया से अफजल हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नाम लेकर किसी नबी को पॉइंट आउट करके इनको उनसे अफजल करार देना, उनको इनसे अफजल करार देना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ये मुत्तफ़क़ अलैह बुखारी और मुस्लिम की हदीस थी। हज़रत औस बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमल जुमुआ फ़ीही खुलिक़ा आदम व फ़ीही क़ुबिदा व फ़ीही नफ़ख़ा व फ़ीही सअक़ा फ़अक्सिरू अलैया मिन अस्सलाति फ़ीही फ़इन्ना सलातकुम मारूज़तुन अलैया। क़ाला क़ालू या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ तुअरदु सलातुना अलैका वक़द अरिमता, क़ाला यक़ूलूना बलीता, क़ाला इन्नल्लाहा अज़्ज़ा व जल हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया व फ़ी रिवायतिन फ़क़ाला इन्नल्लाहा जल्ला व अला हर्रम अलल अर्ज़ि अन तअकुला अजसामना। ये हदीस जुमा की फजीलत के बारे में
इससे मिलती जुलती हदीस गालिबन चौथी मजलिस में भी आई थी जुमा के ताल्लुक़ से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तमाम दिनों में सबसे अफजल जो दिन है वो जुमा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, और इसी के दिन सूर फूका जाएगा, और इसी दिन सख्त आवाज़ ज़ाहिर होगी जिसके बाद सारे अहले ज़मीन मर जाएंगे। फ़अक्सिरु अलैया मिन अस्सलाति फ़ीही, हुज़ूर फरमाते हैं बस बकसरत जुमा के दिन मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, बकसरत मुझ पर जुमा के दिन दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पढ़ना मेरे ऊपर पेश किया जाता है, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है, लिहाजा जुमा के दिन बकसरत मुझ पर दुरूद पढ़ते रहा करो। सहाबा किराम ने दरियाफ़ कर लिया, या रसूलल्लाह आप पर हमारा दुरूद उस वक्त कैसे पेश होगा जब आप आराम फरमा होंगे, जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके होंगे, जब आप गुंबद खजरा के साय में आराम फरमा होंगे, उस वक्त हमारा दुरूद आप पर कैसे पेश होगा, यानी आपका विसाल हो जाने के बाद बादे विसाल कैसे आप पर हमारा दुरूद पेश किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वह नबियों के जिस्मों को खाए, यानी नबी जो भी होता है जब वो ज़मीन के अंदर आराम कर रहा होता है तो उनका जिस्म सलामत होता है, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाए। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह जल्ला वाला ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि हमारे जिस्मों को खाएं, तो हमारे से मुराद या अंबिया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक के पेश नज़र सारे अंबिया के अजसाद मुबारक अजसाम मुबारक कब्र के अंदर ज़िंदा हैं, सलामत हैं, बाहयात हैं, जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया, इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया, इमाम नसाई ने, इब्ने माजा ने, दारमी ने, इब्ने खुज़ैमा ने, इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया, इमाम हाकिम ने कहा कि यह हदीस बुखारी की शराइत पर, इमाम बुखारी के शराइत पर यह हदीस सही है, वादियाशी ने कहा कि इसको इमाम इब्ने हिब्बान ने सही करार दिया है, हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसको इब्ने खुज़ैमा ने सही करार दिया है, अजलूनी ने कहा कि इसको एक जयीद सनद के साथ इमाम बैहक़ी ने भी रिवायत किया है, इब्ने कसीर ने कहा कि इस हदीस को इब्ने खुज़ैमा ने, इब्ने हिब्बान ने, दारक़ुतनी ने, नववी ने, इमाम नववी ने इस हदीस को सही करार दिया, यानी इतने सारे अइम्मा और इतने सारे मुहद्दिसीन इस हदीस को सही करार दे रहे हैं। इसके बाद हमको शक की क्या गुंजाइश रह जाती है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के अजसाद मुबारक सलामत नहीं रहेंगे, बल्कि बेशक आप के अजसाद मुबारक सलामत रहेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा दुरूद पेश भी किया जाएगा। हदीस नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं, मुस्नद अबू याला की हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबिया अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नबियां जो होते हैं, अंबिया जो होते हैं, अल्लाह के जो पैगंबर होते हैं, वो ज़िंदा होते हैं अपने अपने कब्रों में और नमाज भी अदा फरमाते हैं। ये वाज़ह इरशाद हुज़ूर का आ गया अंबिया की हयात के बारे में। अंबिया जो भी होते हैं दुनिया से, जिन्होंने भी पर्दा कर लिया है, वो दुनिया से पर्दा किए हैं लेकिन ज़िंदा हैं, न सिर्फ ज़िंदा हैं बल्कि वो नमाज भी अपने अपने मज़ारात के अंदर पढ़ते रहते हैं। तो अंबिया की हयात एक मुसल्लम अकीदा है हमारा, इसमें किसी को कोई तरद्दुद या शक नहीं होना चाहिए। इसको इमाम अबू याला ने रिवायत किया, इसके जो रिजाल हैं, ये सनद में जो रावी है वो पूरे के पूरे रावी सिका है, फिर इब्ने अदी ने इसको रिवायत किया, इमाम बैहक़ी ने इस हदीस को रिवायत किया, इमाम दैलमी ने रिवायत किया, और इब्ने अदी ने कहा व अर्जु अन्नहु ला बअसा बिही, इब्ने अदी ने कहा कि मुझे उम्मीद है और यकीन है कि इसकी सनद में कोई कलाम नहीं है, इस हदीस में कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको कबूल ना किया जा सके, बल्कि बेशक इसको कबूल किया जाएगा। और हैज़मी ने कहा रिजालु अबी याला सिकातुन, अबू याला के ये जो रिजाल है, रावी है, रुवात है, ये बिल्कुल सिका है, काबिल एतमाद है। शौकानी ने कहा कि इस हदीस को इमाम बैहक़ी ने न सिर्फ ये कि सही करार दिया बल्कि एक किताब आपने अम्बिया की हयात के ऊपर इमाम बैहक़ी ने जमा कर दिया, हदीस की किताब, हदीस की एक किताब अम्बिया की हयात के बारे में आपने हदीस की जमा कर दी है। और ज़ुरक़ानी ने कहा कि इमाम बैहक़ी ने एक लतीफ़ किताब को जमा कर दिया जो अम्बिया की हयात पर मुश्तमिल है और उसके अंदर ऐसी हदीसें बयान की, बिल्कुल सही अहादीस बयान की, और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की मरफू हदीस बयान की, यानी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की वो मरफू हदीस जो हुज़ूर का इरशाद है अभी आपने समाअत फरमाया कि अम्बिया अपने अपने मज़ारात में ज़िंदा रहते हैं और नमाज भी पढ़ते रहते हैं। वक़ाल अल अस्क़लानी फ़िल फ़तह, हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी शेखुल इस्लाम, उन्होंने फ़तहुल बारी में जो बुखारी शरीफ की शरह है मशहूर, उसमें उन्होंने कहा कद जमाल बैहक़ी किताबन लतीफ़न फ़ी हयातिल अम्बिया फ़ी क़ुबूरिहिम, इमाम बैहक़ी ने इस बारे में कि अम्बिया अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, इस बारे में उन्होंने एक बेहतरीन किताब को जमा कर दिया। औरद फ़ीही हदीस अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, इसमें आपने हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस को दर्ज किया जो अभी आपने समाअत फ़रमाया, अल अम्बिया अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून,
यानी अम्बिया जो भी होते हैं अल्लाह के, वो अपने अपने कब्रों में ज़िंदा होते हैं और नमाज भी पढ़ते रहते हैं। अखरजहु मिन तरीक़ यहया इब्न अबी कसीर वहुवा मिन रिजाल सहीह अनिल मुस्तलिम इब्न सईद। और इस हदीस को आपने यहया इब्न कसीर के तरीक़ से लिया, जो मुस्तलिम बिन सईद से उन्होंने लिया था। मुस्तलिम बिन सईद से यहया इब्न कसीर ने इस हदीस को लिया था, उनसे उनके तरीक़ से इमाम बयहकी ने इस हदीस को लाए हैं, और ये सही रिजाल में से हैं। यहया इब्न कसीर सिका रुवात में से हैं। वक़द वस्सक़हु अहमद वबन हिब्बान अनिल हज्जाज अल अस्वद। और हज्जाज इबन अस्वद से जब ये हदीस लेते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने और इमाम इबन हिब्बान ने इनको सिका करार दिया है इमाम अहमद बिन हम्बल ने। और फिर ये हदीस इबन माइन भी रिवायत करते हैं साबित से। और इसके अलावा अबू याला ने भी अपनी मुस्नद में इस हदीस को लिया है मिन हादल वजी इसी तरीक़ से। व अखरजहुल बज्जार व सहहहुल बैहक़ी। और इमाम बज्जार ने भी इस हदीस को लिया है और इमाम बैहक़ी ने इसको सही करार दिया है। आप देखिए, इतने सारे अइमा की जब सनद मिल गई है कि यह हदीस बिल्कुल सही है, इसके सारे रिजाल सिकात है, तो फिर हमको इसमें शक करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि बिल्कुल अम्बिया अलैहिस्सलाम अपने कब्रों में, अपने मज़ारात मुक़दसा में बाहयात रहते हैं और वो अल्लाह की इबादत भी करते रहते हैं। आखिरी हदीस है, 41वीं हदीस है, इस 40 की आखिरी हदीस है, और हमारे इसी हदीस के साथ हमारा दर्स भी मुकम्मल हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, अन्नहु क़ाल लक़द सलक फज्जर रौहा 70 नबियन हुज्जाजन अलैहिम सियाब सूफी वक़द सल्ला फ़ी मस्जिद खैफी 70 नबियन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हज की नीयत से और हज के इरादे से रौहा के मुक़ाम पर 70 अम्बिया गुजरे हैं। 70 अम्बिया हज के इरादे से मकाम रौहा से गुजरे हैं, और मस्जिद खैफ के अंदर 70 अम्बिया ने नमाज़ें अदा की हैं। ये अम्बिया तो मुख्तलिफ मकामात पर मबऊस हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे फिर मक्के की तरफ लौट कर आए, क्योंकि ये आका अलैहिस्सलाम का शहर मीलाद बनना था और उनको पता था कि यहाँ आखिर उस जमा पैगम्बर जन्म लेने वाले हैं और यहाँ आपका मौलिद होने वाला है। तो ये सारे अपना फरीज़ा मुकम्मल करके फिर अम्बिया मक्का मुकर्रमा में आकर रहने और बसने लग गए थे। लिहाजा मक्का के अंदर मस्जिद खैफ के अंदर 70 अम्बिया ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी है। एक रिवायत में आता है इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़ी मस्जिद खैफ़ी कब्रु 70 नबियन। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद खैफ के अंदर 70 नबियों के मज़ारात है। जो हज को गए हैं वो मस्जिद खैफ जानते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको भी मौका नसीब करे कि हम अल्लाह के दियार का, अल्लाह के महबूब के दियार का दीदार करें, और मस्जिद खैफ का भी दीदार करें कि वहाँ पर 70 अम्बिया के मज़ारात वहाँ पर है। इसको इमाम तबरानी ने, इमाम फाकिहानी ने, इमाम बज्जार ने रिवायत किया है, और इसके सारे के सारे रिवायत करने वाले जो रावी है वो सिका रावी है। वफ़ी रिवायत अनहु, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु ही की एक रिवायत में यह है, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، مسجد خیف کے اندر 70 انبیاء نے نماز ادا کی ہے، منهم موسی علیہ السلام، اور ان 70 انبیاء میں ایک موسی علیہ السلام بھی ہے، کأني انظر الیہ وعليه عباءتان قطوانیتان وهو محرم على بعير من ابل شنوا مختوم بختام لیف له ذفران۔ मूसा अलैहिस्सलाम का हाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ये 70 अम्बिया में एक मूसा अलैहिस्सलाम भी है, और ऐसे हैं जैसा कि मैं अभी उनको देख रहा हूँ। यानी आप देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र क्या थी कि मूसा अलैहिस्सलाम कई सदियाँ पहले गुजर चुके हैं, लेकिन कई सदियों के बाद आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया अपनी आँखों के सामने वो मंजर नज़र आ रहा है कि किस हैयत के साथ, किस हालत के साथ और किस वस्फ के साथ, किस कैफियत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ मस्जिद खैफ में आ रहे हैं और शहर मक्का में आ रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया गोया कि मैं उनको देख रहा हूँ मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप पर दो कितवानी चादरें थीं, दो कितवानी चादरें आप ज़ेबतन किए हुए थे, और आप हालत इहराम में कबीले शनुआ के ऊँटों में से एक ऊँट पर सवार थे। कबीले शनुआ के ऊँट जैसे होते हैं उसी तरह के एक ऊँट पर आप सवार थे, जिसकी नुकैल खजूर की छाल थी, जिसकी दो रस्सियाँ थे। देखिए इतनी तफसील के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बता रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने क्या क्या आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंजर दिखाया है, और कौन सी चीज़ आका अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने मख्फी रखी है। कई सदियों के बाद आकर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई सदियां पहले का मंजर ऐसे बता रहे हैं जैसे अभी अपनी आंखों से देख रहे हों। क्या बईद है कि आंखों से देख कर ही बताया हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ आपके ऊपर आश्कार कर दिया है। इसको इमाम तबरानी ने और अबू नुआइम ने और फाकिहानी ने इसको रिवायत किया है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम और उसकी तौफीक और इनायत से शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब क़िबला की जो अरबईन थी अम्बिया व रसूल अलैहिस्सलाम की फ़ज़ीलत के उनवान से, जिसका नाम तोहफ़तुन नुबला फ़ी फ़ज़्ल रसूल वल अम्बिया था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़ और 10 मजालिस में इस अरबईन का मुकम्मल दौरा किया है। इसके अंदर 18 आयतें और 41 अहादीस मुबारका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारे आयत मुबारका पर गौर किया और अहादीस मुबारका पर गौर किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि हमारे इस दर्स देने में, कहने में, सुनने में जो ख़ताएँ, जो गलतियाँ हों, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। आयात के समझने में और अहादीस के समझने में जो कसूर हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला अफू व दरगुज़र फरमाए। हज़रत शेखुल इस्लाम की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फ़रमाए। आपके इल्मी कोशिशों को, काविशों को अल्लाह कबूल फरमाए और आपसे सारी उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे इन दुरूस को कबूल फरमाए और मिनहजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया के ज़ेरे एहतमाम ये 10 रोज़ा दुरूस हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला मिनहजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया से वाबस्ता रहने वाले तमाम अफराद को भी इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।